राजनांदगांव जिले के प्रमुख मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता की जांच होगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर जानकारी दी है। मां पाताल भैरवी मंदिर, डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर, श्रृंगारपुर स्थित बालाजी मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों से प्रसाद का सैंपल लिया जाएगा। जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी डोमेन ध्रुव ने बताया कि जिले में स्थित प्रमुख मंदिरों के प्रसाद की अब जाँच होगी। इसका सैंपल लेकर टेस्ट किया जाएगा। प्रसाद किस खाद्य सामग्री से बनाया जा रहा है उसका भी सैंपल लिया जाएगा। डोमेन ध्रुव ने आगे ये बताया कि राजनांदगांव स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर, डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर, श्रृंगारपुर स्थित बालाजी मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों से प्रसाद का सैंपल लिया जाएगा। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जिसमें प्रसाद में सरकारी डेयरी के दूध का उपयोग करने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में वेंकटेश्वर भगवान को चढ़ाने वाले प्रसाद में मछली का तेल और जानवर के चर्बी की मिलावट होने की खबर के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। जैसे कि आप सभी खबरों में देख रहे हैं कि धार्मिक स्थानों से संबंधित, प्रसाद से संबंधित कुछ खबर आ रही है। इस बारे में खाद्य मौद्रिक प्रशासन की खाद्य सुरक्षा विंग अलर्ट मोड पर है और वो लगातार बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के से बात कर रही है और जल्द ही वहां से जो वितरित किए जाने वाले जो प्रसाद है उनका गुणवत्ता जांचित सैंपल लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी।